वर्ष के बच्चे जहां आईपीएस और आईएएस करने में फ़ख्र महसूस करते हैं, वहीं पर पंजाब के बच्चे आईलेट्स करने में बढ़ते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में पंजाब में जगह जगह आईलेट्स सेंटरों की भरमार होती जा रही है, और जिसमें कई ऐसे सेंटर हैं जो जिससे बच्चे धोखाधड़ी के शिकार भी हो जाते हैं। ऐसी ही एक वर्कशॉप लगाई गई और जिसमें बताया गया कि इस धोखाधड़ी से कैसे बचें और सही इंस्टीट्यूशन को कैसे चुना जाए। देखिए संजू रावत की खास रिपोर्ट। My name is Ramandeep Sharma. I belong to village Kagadpur and today I am very happy because I received my Canada visa. I am very thankful to all the DBC team and Sahil sir for making my file process very easy. And today I also received my passport and I am very thankful for Sahil sir. So my name is Shruti Nagpal. I am South Asia Recruitment Manager for Georgian Toronto Campus. मैम इतने डीबीसी की अलावा था की बोलना चाहिए। सो बेसिकली डी बी सी इज़ अ रिक्रूटमेंट पार्टनर्स ऑफ जॉर्जियन टोरंटो कैंपस। ये ऑफिशियली ये रिक्रूटमेंट पार्टनर्स हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। वीज़ा सक्सेस रेशो बहुत अच्छा है और बेस्ट पार्ट है कि हम भी एज एन ओंटारियो कॉलेज वी आर द ओनली वन पब्लिक कॉलेज जो ओपन है स्टूडेंट्स, चाहे बच्चा ट्वेल्थ कॉमर्स पास आउट हो, चाहे कोई भी बैचलर्स हो, कोई भी मास्टर्स हो, स्टूडेंट कैन अप्लाई इन आर कॉलेज दैट इज़ जॉर्जियन टोरंटो कैंपस। My name is Jasreet Kaur. I belong to city Roopnagar. Today I am here to receive my passport from DBC International. I am very delighted that Mr. Sahil Singla have made my processing so far easier, and I am thankful to DBC International as well as whole team and Mr. Sahil Singla. And I am very happy today as I am receiving my passport, and it is the day I never forget in my life as it will fulfill my dreams. Thank you. सर अज असी संगरूर दे विच पहली बार इस तरीके का फेयर रखा गया जिदे विच डायरैक्टली 20 तो लैके 21 कैनेडा के कॉलेजेस ने शिरकत की है। बच्चों नूं मौका दिता सी, डायरैक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री सी। इहदे विच बच्चे डायरैक्टली कैनेडा के कॉलेजेस नाल रूबरू होकर अपनी प्रोफाइल्स असैस करवा पाए। इहदे नाल नाल असी पीटी दे उपर कैनेडा का वीज़ा हाईलाइट किया जी। अज असी तकरीबन 30 to 35 बच्चों नूं कैनेडा का वीज़ा डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये मैं दसना चाहूँगा कि दोस्तों कोई फैंसी एड्स के आके तो फसन की लड़ नहीं, कोई फी आफ्टर वीज़ा सारे पैसे वीज़ा लगन तो बाद दिया एडा देखने की लड़ नहीं। कनेडा एक अजिहा देश है जिहड़ा तुहानू उत्थे सैटल होने का मौका दिंदा। एक जदों तुसी प्लस टू करते हो तो बाहर जाने का सोचते हो तो एक चंगा देश तो एक चंगा कॉलेज तुहानू जरूर सोचना चाहिए। उहदे लई डी बी सी तुहाडे लई एजुकेशन फेयर लैके आया। उहदे नाल नाल साडा ऑफिस संगरूर दे विच है जी, तुसी उत्थे आके भी साडी टीम नू कंसल्ट कर सकदे हो ते लगे वीज़े देख सकदे हो। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आफ्टर द पैंडमिक। मतलब मैं आरडीसी रेडिया कॉलेज एट स्टर्लिंग रिप्रेजेंट करती हूँ ऑल ओवर साउथ एशिया एज एन मैनेजर, एंड ऑल्सो आई लुक आफ्टर द कैनेडा साइड ऑल्सो। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी, क्योंकि अभी भी लोग ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं इतने बड़े स्केल में इस टाइप के फेयर करने का। ही साहिल इज़ डूइंग इट, डीबीसी कर रहा है। बच्चों को वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है अभी भी टू आके सारे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत क्लैरिटी मिलती है बच्चों को। बच्चे कोई भी कॉलेज एक्सेप्ट करें दैट्स डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, बट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर बात की जाए जैसे बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं, कई बार देखा है उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, उससे कैसे बचा जाए? उससे बचा ये जाता है
कि हम कहीं भी जाएं बच्चे, सबसे बड़ी बात ये होती है ना, आप ना आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें, ठीक है। एक के पास, दो के पास, तीन के पास जाइए, आप कंपेयर करिए। और सबसे बड़ी बात, चाहे हम हो, कॉलेज से आ रहे हैं हम, प्लस या कोई कंसल्टेंसी हो, आप जो भी वो बोले उसको अपने लेवल पे भी क्रॉस चेक करें, समझें उस चीज़ को। आज की डेट में इट्स ऑल डिजिटल और आप हर चीज़ पता कर सकते हो। तो मेरा हर बच्चों से यही कहना होता है, मैं जो बोलूं या कोई भी कुछ बोले उसको आंख बंद करके ना समझें। अगर इस टाइप की कोई भी फ्रॉड या कुछ से बचना चाहते हैं तो हमेशा डू अ क्रॉस चेक, दैट हेल्प्स, दैट ऑलवेज है। माय नेम इज़ दमनप्रीत कौर। आई कंप्लीटेड माय सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन इन 2019 एंड आफ्टर दैट आई टेक द आईलेट्स एग्जाम एंड आई गॉट 6 बैंड स्कोर एंड इन वन मॉड्यूल आई गॉट 5.5 बैंड। But I get one refusal because at that time I got two modules I got 5.5 band score, but after that I meet with this DBC team and with the help of DBC team I got my visa and in one day I am very thankful for this.